हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे हो गई इंडियन रेलवे की इतनी बड़ी हादसा जिसमें 300 लोग मौत का शिकार हो गए और 300 लोगों का घर सूना सूना हो गया। आखिर क्या हो गई ऐसी बड़ी गलती इंडियन रेलवे से जो 300 लोगों का घर सूना सूना हो गया, तो जानेंगे इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस सनसनी खबर को देख कर आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये 300 लोगों के मौत का कारण बनी है। तो आइए जानते हैं इसका क्या राज है। सबसे पहले स्टार डेल्टा फ्लाइट टीम की तरफ से उन 300 लोगों को भरतपुर श्रद्धांजलि, जो कि इस घटना से बिल्कुल अनजान थे। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी इंडियन रेलवे की प्रॉब्लम हो गई जो ऐसा बड़ा कांड हो गया। और बताया ये भी जा रहा है कि जब घटना हुई तो हमारे रेलवे की जो स्पीड थी वो 127 किलोमीटर पर आवर की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों की दुर्दशा हुई होगी कि और कैसे हमारी इंडियन रेलवे का सिस्टम है। तो इस कांड को समझने से पहले मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये कांड कैसे हो गया। तो इस डायग्राम को बिल्कुल आप गौर से देखिएगा, ये एक साधारण डायग्राम नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें ही छुपी है कि कैसे इतना बड़ा कांड हो गया। ये जो डायग्राम है वो बगाना बाजार रेलवे स्टेशन का डायग्राम है, जहाँ पर तीन ट्रेन एक साथ टकरा गई। क्या भयानक मंजर होगा कि तीन ट्रेन जब एक साथ टकरा गई और 300 लोगों का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो आइए जानते हैं इस डायग्राम की सच्चाई के बारे में कि ये डायग्राम क्या सच्चाई बयान करती है और ये रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। तो सबसे पहले आपको ये दो सीधी लाइन जो नजर आ रही होगी, ये एक जो लाइन है इधर से ट्रेन आने का लाइन है और ये जो दूसरी वाली लाइन है वो इधर से ट्रेन जाती हुई का लाइन है। और ये जो आपको ये इस तरह का ये जो लाइन खींची हुई है वो क्या है, इसको लूप लाइन बोलते हैं। ये दोनों तरफ की लूप लाइन है। आइए जानते हैं कि इन लूप लाइन का क्या सिस्टम है और ये दोनों रेलवे लाइन का क्या सिस्टम है। तो दोस्तों, लूप लाइन उसे बोलते हैं जब क्या होता है, हमारा मेन रेलवे लाइन जब बिजी रहता है तो इन लूप लाइनों पर कोई भी ट्रेन को होल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जब भी क्या होता है हमको ग्रीन सिग्नल किसी ट्रेन को दी जाती है और दूसरी ट्रेन वहां पे रहती है तो उनको इन्हीं लूप लाइनों पर होल्ड कर दी जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारी रेलवे लाइन क्लियर हो जाती है और एक ट्रेन निकल जाती है और दूसरी ट्रेन को बाद में होल्ड कर दिया जाता है, जबकि उसके जाने के बाद इसको रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों, ये बघाना बाजार रेलवे स्टेशन का डायग्राम है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या हुआ कि मालगाड़ी को जब ये सूचित हुआ कि एक ट्रेन आने वाली है तो क्या हुआ, इस मालगाड़ी को हमारी इस लूप लाइन पे होल्ड कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमारी मालगाड़ी इस पे होल्ड हो गई तो उधर से हमारी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। उसको तो ये मालूम था कि हमारा ये जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस 127 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पूरी तेजी से आ रही थी। अचानक उसको क्या हुआ कि आगे ग्रीन सिग्नल मिलना बंद हो गया और उसको ये समझ में आया कि हमको ये हमारी ट्रेन को लूप लाइन पे लेकर जानी है, जबकि ऑलरेडी हमारी लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी वो 127 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आई और हमारी मालगाड़ी को आगे से टक्कर मार दी। जैसे ही वो टक्कर मारी तो कुछ इस तरह का उसका जो आगे का इंजन है वो इस तरह से वैगन पे चढ़ गया और जैसे मालगाड़ी में हमारी शालीमार एक्सप्रेस जो एक ही बार में टक्कर मारी, तो ऐसा टक्कर हुआ कि उसकी बोगी क्या हुई, इस रेलवे लाइन पर आ गई और क्या हुआ, ये रेलवे लाइन पूरी तरह से जाम हो गया। और इस रेलवे लाइन पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस को आना था, जो कि अपने फुल स्पीड में आ रही थी। उसको क्या पता था कि इस रेलवे लाइन पर ऑलरेडी पूरा जैमर लगा हुआ है, या ये रेलवे लाइन पूरी तरह से जाम है। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस अचानक से आई और उसने ये देखा, उसके ड्राइवर ने ये देखा कि आगे हमारी एक बोगी लगी हुई है जो कि एक्सीडेंट से चूर चूर हो चुकी है। स्पीड इतना था कि हमारे ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाए और इतना जोरदार टक्कर हुआ कि तुरंत ही उस गाड़ी को ध्वस्त हो गया और इन दोनों को तीनों के टक्कर मिला गए। 300 लोगों की मृत्यु हो गई और 900 लोग घायल हो गए। तो एज अ सिस्टम बताया जा रहा है हमारी इंडियन रेलवे का कि सिग्नल देने में प्रॉब्लम हो गई। तो आप किसको दोष देना चाहते हैं, इस घटना का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, क्या इंडियन रेलवे के पास इतना भी सिस्टम नहीं है कि वो सिग्नल सिस्टम को ठीक कर सके। दोस्तों, ऐसा दुर्घटना किसी के साथ ना हो हम कामना करते हैं और भरतपुर श्रद्धांजलि देते हैं इन लोगों को जिनकी मृत्यु हो गई, जो इन दुर्घटना से बिल्कुल अनजान थे। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा फ्लाइट चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा और इन लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत जरूर रखिएगा।